आदाब सत श्रीकाल दो टू सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मैं हर बार आप लोगों को किसी न किसी कलाकार से रूबरू करवाता हूँ। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान ललित भारती जी जो एक जाने माने मूर्तिकार हैं। आज हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। नमस्कार ललित भारती जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार देवी जी, आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपका जो घर का पारिवारिक माहौल था कला के प्रति वो कैसा था और किन परिस्थितियों में आपने कला को चुना? देवी जी, मेरा जन्म दिल्ली का ही है और दिल्ली में ही मैं मेरी शिक्षा सारी प्राप्त की है। और मैं जहाँ तक की बात है आपकी मेरी कला की रुचि के बारे में, क्योंकि मुझे ड्राइंग करना बचपन से बहुत अच्छा लगता था और कुछ बनाना, मिट्टी से कुछ बनाना, इस तरह की चीज़ें। कई बार मैंने स्कल्पचर देखता था दिल्ली में लगे हुए इधर उधर, तो मन करता था कि मैं भी कुछ ऐसा बनाऊँ। और उसके लिए फिर मुझे एक प्रोफेशनल स्कूल में जाने की आवश्यकता थी, जो मुझे नहीं मालूम था कि कैसे जा सकते हैं उसमें। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जो शिक्षा थी, आपने BFA या MFA जो किया, कहाँ से किया और उस वक्त आपके गुरु कौन कौन से थे, जहाँ किस ग्रेट आर्टिस्ट का काम आपको प्रभावित करता था या अच्छा लगता था, जरा उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताइए। कॉलेज से पहले मैं आपको स्कूलिंग के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे स्कूल में एक अध्यापक आए थे, ड्राइंग के टीचर, श्री कुलवर्धन गौतम जी। जी, वो कॉलेज ऑफ आर्ट से उन्होंने मतलब पेंटिंग में BFA MFA किया था, तो उन फर्स्ट टाइम जगह पर चला कि ड्राइंग करने के बाद भी कोई इंसान मतलब शिक्षा में कैरियर है इसके, कुछ मतलब इसकी भी पढ़ाई होती है, मतलब फाइन आर्ट में। हाँ, मालूम नहीं था उससे पहले, तो उन्होंने फिर काफ़ी गाइड किया सर ने। कुछ ही दिन रहे हमारे स्कूल में, फिर वो ट्रांसफ़र उनका हो गया। उसके बाद फिर दिन चले गए ऐसे, और कुछ देर बाद हम 12th में पास आउट किया और उसके बाद कॉलेज आए। फिर हमने कॉलेज ऑफ आर्ट देखा, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में लास्ट में मुझे एडमिशन मिला, जिसमें मैंने स्कल्पचर ही चुना कि मुझे मूर्तिकला ज़्यादा अच्छी लगती है, करने में ज़्यादा अच्छा मुझे फील होता है। आप किस मीडियम में ज़्यादातर काम करते हैं आज के और टाइम, कौन कौन सा मीडियम आपको ज़्यादा प्रभावित करता है, अच्छा लगता है? मीडियम तो बेसिकली सभी मीडियम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ मीडियम मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसमें मुझे आपको पहले से ही मालूम है, कड़ी में आने के बाद बहुत जो भी थोड़ा बहुत काम किया है, ज़्यादातर मैं डायरेक्ट मेटल में ही काम करता हूँ, ताकि मुझे मतलब डायरेक्ट मेटल में ज़्यादा अपीलिंग लगता है, उसमें ज़्यादा फोर्स लगती है। इसमें मैं वेल्डिंग भी कर सकता, वेल्डिंग के थ्रू जोड़ता हूँ आयरन को और या स्टील को या और भी किसी मटेरियल। हाँ, बहुत प्रभावित काम है आपका, लीक से हट के आप काम करते हैं और बहुत ही बेहद ही सुंदर कार्य है। लोगों ने किया है, ऐसी बात नहीं है, इसमें बहुत बड़े ग्रेट आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और करते रहे हैं हमेशा, तो लेकिन हाँ एक कोशिश है, कर रहे हैं। हाँ, पिछले मैं 10-15 साल से आपको देख रहा हूँ, 2005 से आप लगातार काम कर रहे हैं। ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं और कंटिन्यू अपना। दोस्तों, कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हम एक नज़र डालते हैं ललित भारती जी के द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों पर। आइए देखते हैं एक नज़र, एक झलक। समकालीन मूर्तिकार ललित भारती का जन्म दिल्ली में हुआ और दिल्ली को ही उन्होंने कर्मभूमि अपना चुना। सामाजिक ताना बाना और उसके इर्द गिर्द घूमते उनके मूर्ति शिल्प में प्रभाव देखने को मिलता है। ललित भारती ने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया इस सामाजिक ढांचे पे और अपने मूर्ति शिल्पों में डालने का प्रयास किया। सामाजिक गहराइयों में देखते हुए उन्होंने अपने मूर्ति शिल्प को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाने का प्रयास किया। हाल ही में बनाए उनके नए मूर्ति शिल्प आप देख सकते हैं इस सीरीज में।
ललित भारती जी, एक चीज और बताइए कि आपने जो विषय चुना था, जो आपका सब्जेक्ट मैटर था वो क्या था, और आपको उसको करने में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बेसिकली मेरे काम के टॉपिक इस तरह से ही होते हैं, समाज से ही जुड़े होते हैं बेसिकली, समाज के जो जिसे मैं फील करता हूँ समाज के अंदर अपने आप को, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों की होती हैं वो सब अपने काम के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। और रही बात मटेरियल की, मटेरियल आपको मालूम बता ही दिया है कि मैं इसमें मोस्टली रैक मेटल स्कल्पचर में ही काम करता हूँ, और अभी कुछ ब्रॉन्ज में भी काम करने के लिए मैं आजकल तैयारी कर रहा हूँ। एक चीज़ और बताइए कि अब तक आपने कौन कौन सी उपलब्धियाँ हासिल की, जैसे अवार्ड, स्कॉलरशिप, फेलोशिप या एग्जीबिशन आपने कहाँ कहाँ की? अवार्ड में फेलोशिप की, अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो मेरे पास यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप भी रही है HRD के थ्रू, घड़ी ग्रांट भी रहा है, उसके बाद मेरे पास पियर्स खोज में भी मैंने 2006 में एक रेजेंसी करी है 1 मंथ वाली पियर्स, और अभी फिलहाल शोज नेशनल, एक नेशनल में मेरे का बहुत सारे पाँच पाँच छः बार सिलेक्शन हो चुका होगा। और दूसरा रहा, दूसरी बात अपने अवार्ड की, IFX का मेरे पास एक अवार्ड है, शायद सन तो याद नहीं आ रहा अभी। आप जॉब भी करते हैं और अपना कार्य भी करते हैं, जी जी, तो दोनों को कैसे मैनेज करते हैं आप? थोड़ा मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल का कार्य है। हाँ, बहुत मुश्किल कह सकते हैं, टिफिकल तो है, क्योंकि टाइम आप कहीं अपना टाइम दे रहे हो, हाँ उधर भी काम करना पड़ता है, तो आपको टाइम आपको चुराना पड़ता है काम करने के लिए, कुछ टाइम आपको निकालना पड़ता है, और स्कल्पचर में तो टाइम नहीं देंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो छुट्टी वाले दिन या कुछ उस इस तरह से अप एंड डाउन में हम कर सकते हैं, मतलब इवनिंग मॉर्निंग में, तो इस तरह से मैं काम करता हूँ कि आधा छोड़ जाता, क्योंकि स्कूल और घड़ी जो मेरा वर्क प्लेस है वो आसपास ही है, होने से मेरे को फ़ायदा मिल जाता है, दूर से आने में थोड़ा दिक्कत होती है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर नहीं कर पाते हैं काम। अभी जैसे मशीनी युग है जी जी, जहाँ कंप्यूटराइज का जो काम है, लोग बहुत सारे डिजिटल स्कल्पचर या डिजिटल प्रिंट से प्रभावित होके, या अलग अलग बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं न्यू, उसमें कार्य कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी पुरानी परंपरा थी, या जो हम हैंडमेड टूल या हैंडमेड जो काम करते, ये उससे प्रभावित होगा या कुछ नुकसान हो सकता है इससे, आपके क्या विचार हैं? नहीं, टेक्नोलॉजी से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कुछ नए आयाम खुलते हैं काम करने के, और उसको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हमें अपने पुरानी समय के साथ आदमी को चलना चाहिए, पुरानी परंपरा से भी जुड़ा रहना चाहिए, और समय के साथ तो हमें चलना ही चाहिए, क्योंकि हमें नई चीज़ कुछ इंट्रोड्यूस होती है तो कुछ नया ही निकल के आता है, और आर्ट कभी रुकती नहीं है, उसमें नए चीज़ के लिए हमेशा ओपन माइंड होता है, ओपन फेस होता है उसका। ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में आप काफ़ी अरसे से कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इधर और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कला और कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका प्रदान हो? सुविधाएं तो देखो हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, हम ये कहेंगे कि नहीं है, सुविधाएं हैं, लेकिन हम उसको सही से यूज़ करें और अपना टाइम पूरा लगाएं, और छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, वो सब कुछ हर जगह होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन काम में ज़्यादा फोकस करें, वो ज़्यादा मैटर करता है आज की डेट में। हाँ, ज़्यादा काम पे फोकस करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर फैसिलिटी की दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, आपके पास सुपरवाइजर्स हैं और सब हैं, तो बोलेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल, नया कुछ क्या और होना चाहिए जो आपको लगता है जहाँ अभी आज के युग की जरूरत है? स्कल्पचर में काफ़ी टूल्स बढ़ रहे हैं और धीरे बढ़ेंगे टूल्स, अगर आप लिख के देंगे तो आगे आपके टूल्स की प्रॉब्लम है, जो भी सरकारी आपको कुछ लिफ्टिंग के लिए कुछ चाहिए, इस तरह से शेड वगैरह के चाहिए, तो वो सब हो रहा है, ऐसी बात नहीं, और होगा भी ऐसे धीरे धीरे, इसी तरह से आगे बढ़ती हैं चीज़ें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ललित जी, जो आप अपना कार्य करते हैं तो आपको क्या लगता है, जो आपका कार्य है इतना वेट वाले भी होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, उसमें ले जाने में लाने में थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, तो आपको क्या लगता है मीडियम को थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए या नहीं? नहीं, स्कल्पचर में तो वेट होगा ही, अगर स्कल्पचर कर रहे हो तो स्पेस, उसका जगह जगह और वेट तो होना ही है, वो तो उसके साथ में रहेगा, उसे आप अलग नहीं कर सकते हैं ना,
तो अगर आप हल्का वेट भी कर लेंगे तो स्पेस तो ज़्यादा लेगा, अगर बड़ा काम करेंगे तो उसके लिए तो कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। उसके लिए तो आपको फिर आपको हायर करें अपनी गाड़ी इस तरह से, जो भी चीज़ें हैं वो क्रेन वगैरह सबको इस्तेमाल करके आप काम करें। बाकी स्कल्पचर इज़ अ टीम वर्क, तो अपने साथियों का आप सहायता लें और अपने काम को करना है और आगे बढ़ाना है, कहीं ले जाना है लाना है उसके लिए। अभी आगे आपका क्या विचार है शो करने का, जहाँ कोविड के बाद काफ़ी लोगों को सामना करना पड़ा और एक कलाकार ऐसा एक मतलब कलाकारों के लिए ज़्यादा सरकार द्वारा हेल्प नहीं हो पाई, जो फ्रीलांस कलाकार हैं या युवा कलाकार हैं उनको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा, तो आपके क्या विचार हैं इसके लिए? कई क्वेश्चन हो गए इसमें मैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अभी धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी हैं और आने वाले टाइम में सब गैलरियाँ और सब वापस होंगे और फिर मार्केट में वापस वैसे ही फिर से पहले की तरह होने लगेगा। और उससे धीरे धीरे आर्ट के अंदर भी आपके अंदर सब कुछ पहले की तरह होने लगेगा, तो वो एक अच्छा पॉजिटिव साइन दिख रहा है मुझे कुछ दिनों से, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। टाइम निकल गया आई थिंक, खराब टाइम चला गया, अभी अच्छे दिन बाकी हैं हमें, और भी पहले की तरह मूवमेंट वैसे ही चलेगी जैसे चल रहे थे। जी जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, जो हमारे दूर दराज स्टेटों में बाहर कलाकार रहते हैं जहाँ कलाकार बनना चाहते हैं, जहाँ जो युवा नई पीढ़ी है, उनको आप अपने कला के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, जो मैसेज है आपका? देखिए, अगर आपको कला के फील्ड में आना है, अगर आपका वाकई इंटरेस्ट है तो ज़रूर आएँ, अदरवाइज़ किसी की देख कर, किसी को सोच के, किसी को सुन कर अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि फिर आपको मुश्किल हो जाएगा एक्चुअली इसमें। अगर आपका इंटरेस्ट है आर्ट फील्ड में तो ही आएँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा, अदरवाइज़ फिर वो मुश्किल हो जाता है बहुत। एजुकेशन के बाद 6 साल की एजुकेशन लेंगे फिर आप फील्ड में आएंगे और उसको आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपका फिर वो पूरा करियर स्पॉइल होने वाला वाली बात हो जाती है। धन्यवाद ललित भारती जी, आप दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आए और आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना और कला पे चर्चा हुई, धन्यवाद आपका। धन्यवाद देवी जी, आपने बुलाया और आप इतने अच्छे से आपने पूछे, क्वेश्चंस पूछे और अच्छा लगा हमको, मुझे बहुत एक्चुअली स्पेशली बहुत अच्छा लगा कि सारे बारे में बातें हुई, कुछ अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगली बार फिर मिलूंगा किसी नई कड़ी में नए कलाकार के साथ, तब तक देवीदास खत्री को दे इजाजत। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।